इस हफ्ते कौन सी है वो खबरें जिसने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियाँ? किस खबर ने दर्शकों को किया हैरान? चलिए जानते हैं हमारे टेलीग्राफ में। मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं, ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्रा से भगवान को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के लोगों ने श्वेता तिवारी को खूब ट्रोल किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के पुलिस प्रमुख मकरन देवस्कर को इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा। इस वीडियो के पीछे की सफाई पेश करते हुए पीयूष परमार ने ट्वीट किया। क्या है ट्वीट, इस पर डाले एक नज़र। इस स्टेटमेंट के बाद एक्ट्रेस ने अपनी सफाई दी और बताया कैसे बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि शिवांगी जोशी और रणदीप रॉय का शो बालिका वधू 2 जल्द ही बंद होने वाला है। इसी बीच रणदीप रॉय ने अब इस खबर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वहीं एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए रणदीप रॉय ने बताया कि उन्होंने अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी। तेजस्वी प्रकाश ने एक बार फिर गुस्से में शमिता को आंटी कहकर बुला दिया था। उनके इस कमेंट के बाद कई स्टार्स ने आपत्ति जताई। इन स्टार्स में टीना दत्ता से लेकर करणवीर बोहरा तक शामिल हैं। वेल, कैसे लगाई उन्होंने तेजा की क्लास, डाले उस पर एक नज़र। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी करके फैंस को चौंका दिया। इस स्टेटमेंट के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने गुजारिश की कि अगर कोई भी इंसान किसी प्रोजेक्ट के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले परिवार की इजाजत लेनी होगी। वहीं क्या है इस स्टेटमेंट में, डाले एक नज़र। बता दें ये स्टेटमेंट तब रिलीज हुआ जब ये खबर सामने आई कि शहनाज सिड को बिग बॉस फिनाले में ट्रिब्यूट देने वाली हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ कि ये उनके लिए था भी या नहीं। वीकेंड का वार एपिसोड खत्म होने के बाद करण तेजस्वी में बहस देखने को मिली। तेजस्वी करण को शमिता को लेकर पोक करती हैं। करण बार बार एक चीज को क्लियर करते करते थक जाते हैं और गुस्से में करण ने बेंच को उठाकर झटक दिया। करण के इस बिहेवियर को देखते तेजस्वी और निशांत शॉक हो गए थे। अलादीन नाम तो सुना होगा, एक्टर सिद्धार्थ निगम डेंगू का शिकार हो गए। बॉडी में वीकनेस और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि बेटर फील करने पर एक्टर ने खुद पोस्ट शेयर कर अपने हेल्थ की जानकारी दी और एक वीडियो शेयर किया। वहीं घर आने के बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर सभी को थैंक्स कहा और जल्द पूरी तरह से ठीक होने की बात कही। सीरियल कुमकुम भाग्य के फैंस के लिए ये वीक काफी इमोशनल भरा रहा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही शो में से शब्बीर और श्रीति शो के जनरेशन लीप की वजह से शो को अलविदा कहने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों के जाने के बाद शो की कमान मुग्धा और कृष्णा संभालेंगे। कुछ समय पहले ही टीवी एक्टर शहीद शेख ने अपने पिता को खोया। हाल ही में शहीद शेख ने अपने पिता के जाने के बाद एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने पिता को याद करके शहीद काफी दुखी हो गए थे। बिग बॉस के फैंस को इस हफ्ते बिग बॉस के विनर के बारे में पता चल जाएगा। वहीं फिनाले से कुछ दिन पहले देवोलीना और अभिजीत घर से बेघर हो गए। बता दे, देवोलीना, अभिजीत और रश्मि को टिकट टू फिनाले टास्क की दावेदारी नहीं मिली थी, लेकिन अंत में इन तीनों में से किसी एक को ही टिकट टू फिनाले हासिल होता है और शो जीतने का मौका मिला। वहीं घर से बाहर आने के बाद देवोलीना ने अपने फैंस को धन्यवाद कहा। इब्राहिम अली खान
और पलक तिवारी की रीसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस ने दोनों सेलेब्स किड्स को शर्मिंदा कर दिया। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इब्राहिम को पलक द्वारा पैपराजी को दी गई प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई, क्योंकि वीडियो में उन्हें अपना चेहरा छुपाते हुए देखा गया था। सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि पलक भी वीडियो में उनका रिएक्शन देखकर काफी शर्मिंदा हुई थी। हालांकि ये संदेह करना थोड़ा जल्दी है कि क्या उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी है। घटना के बाद इब्राहिम और पलक दोनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया है। वेल, आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।